ना बात सियासत की होगी ना रियासत की होगी, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपके मुद्दों और आपकी समस्याओं की, आपकी परेशानियों को हम उठाएंगे, सिस्टम तक पहुंचाएंगे। बदहाल स्कूल और खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था की खबरें तो हमने लगातार आपको दो दिन तक दिखाई। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक ऐसे गांव की खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका शिक्षा से दूर दूर तक नाता ही नहीं है, क्योंकि यहां ना तो आंगनवाड़ी है और ना ही कोई छोटा मोटा स्कूल, लोग अनपढ़ ही रह जाते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आदिवासी बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ना आंगनवाड़ी ना स्कूल, अनपढ़ ही रह जाते हैं मासूम। मध्य प्रदेश का बड़वानी आदिवासी बाहुल्य जिला का एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक शिक्षा नहीं पहुंची है। पढ़ाई क्या होती है इस गांव के बच्चे को ये तक नहीं मालूम, और आने वाली पीढ़ी अब तक शिक्षा से महरूम है। कई सारे जवान जो बच्चे हैं उनका कहना ये है कि हमने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं। इन मासूमों की आंखों में भी पढ़ाई के सपने हैं, इनकी भी ख्वाहिश है कि आंगनवाड़ी को देखें, इच्छा है कि स्कूल में पढ़ने जाएंगे, लेकिन सिस्टम की बेपरवाही देखिए कि 18 साल बीत गए। जी हाँ, 18 साल। बड़वानी के गांव धार कुंडिया में ना तो आंगनवाड़ी है ना ही स्कूल है। अब सोचिए जरा, जहां ना आंगनवाड़ी है ना स्कूल है तो फिर इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, होना क्या है? बच्चे यूं ही खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं और फिर अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाते हैं। रास्ता खराब है, स्कूल भी नहीं है, बच्चे कहाँ इतने दूर जाएगा 5 किलोमीटर। तो फिर बच्चे अनपढ़ रह जाते होंगे। अनपढ़ है ना बच्चा, स्कूल नहीं जाता इतने दूर कहाँ जाएगा। रोड भी खराब है, रोड भी खराब से सब खराब से ना। मैं पहली से बाहर पढ़ी हूँ, हॉस्टल में कस्तूरबा कन्या आश्रम में पढ़ी थी चारदर में, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं थी, ना तो स्कूल है ना तो आंगनवाड़ी, कुछ नहीं है यहाँ पे, और है वो भी दूर है, बहुत दूर है, वो इतनी दूर जा नहीं सकते यहाँ के बच्चे, तो इसलिए हम बाहर ही पढ़े और बारहवीं तक हम धनोरा पढ़े। ऐसा नहीं है कि ये ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन सबसे नजदीक जो स्कूल है वो 5 से 7 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक जाने के लिए सड़क भी नहीं, रास्ता जोखिम भरा है, लिहाजा वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। गाँव में स्कूल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? स्कूल पहले नहीं था, हम छोटे तो अभी तक नहीं है। कहाँ तक पढ़े हो तुम? हम तो 5वीं तक गया था। कहाँ पर गए थे? इधर थे, गांव में था, दूर था। दूर थे? हाँ। कितना दूर होगा? इतना तो 1.5 किलोमीटर है। अब जरा ये समझ लीजिए कि इस गांव के लिए आंगनवाड़ी और स्कूल कितने जरूरी हैं। 2006 में बसा था गांव धार कुंडिया। धार कुंडिया में रहते हैं करीब 70 परिवार। 70 परिवारों में 60 से ज्यादा बच्चे हैं। गाँव से स्कूल करीब 7 किलोमीटर दूर है। स्कूल तक जाने का रास्ता भी जोखिम भरा है। विस्तार न्यूज ने न केवल ग्रामीणों की चिंता को महसूस किया बल्कि उनके पीड़ा को जिम्मेदारों तक पहुंचाने की भी कोशिश की। अधिकारियों ने जल्द ही आंगनवाड़ी और स्कूल की व्यवस्था करने की बात कही। इसके साथ ही तत्काल गेस्ट फैकल्टी के जरिए पढ़ाई कराने का भरोसा भी दिलाया। इसमें जन शिक्षकों और BRC कार्यालय से भी हमारे BSE गए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया है, सर्वे भी करवाने की व्यवस्था हमने की है और अतिथि शिक्षक के माध्यम से उन फलियों में हम शिक्षक को पहुंचा देंगे ताकि अभी इमीडिएट उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। उम्मीद है ये भरोसा बीते 18 सालों की तरह नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई भरोसे गांव वालों को मिल चुके हैं, लेकिन नहीं मिलती है तो आंगनवाड़ी और ना ही स्कूल मिला। अगर वादे पूरे किए जाते तो इन मासूमों का भविष्य खतरे में नहीं होता। इस गाँव के बच्चे अनपढ़ नहीं रहते और ना ही सैकड़ों युवा मजदूरी के लिए मजबूर होते। अभी भी वक्त है, कम से कम इन मासूमों के चेहरे को देख लीजिए जो शायद आपसे शिक्षा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार को चाहिए कि इन गरीब आदिवासी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, भविष्य जिनका अधिकार अंधकार में जा रहा है, उन अंधकार के भविष्य को बच्चों से बचाएं और इन बच्चों के हाथ में किताबें दी जाएं, इन बच्चों के हाथ में शिक्षा दी जाए।
विस्तार न्यूज़ के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी बड़वानी। तो देखा आपने कैसे बड़वानी के धार कुंडिया के रहने वाले मासूमों का भविष्य अंधकार में है। 18 साल बीत गए हैं लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। अभी भी वक्त है यहाँ शिक्षा की अलख जगाई जाए ताकि ये बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। और अब बात छत्तीसगढ़ के महासमुंद की करेंगे। यह स्कूल तो है लेकिन शिक्षक नहीं है। हालात ये है कि अब छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है और वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। देखिए शिक्षकों की कमी से जूझते हायर सेकेंडरी स्कूल की ये कहानी। क्यों बरसों से की जा रही है भूल, क्यों बिना शिक्षक के चल रहा स्कूल। महासमुंद के मोहंदा हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र तो पढ़ने पहुंचते हैं लेकिन यहाँ शिक्षक ही नहीं है। 26 जून से स्कूल खुल चुके हैं लेकिन अभी भी बिना शिक्षकों के ही पढ़ाई जारी है। जबकि ये स्कूल हायर सेकेंडरी है, 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र भी हैं। बिन शिक्षक सब सून, 9वीं से 12वीं तक कुल 280 छात्र हैं। स्कूल शिक्षकों की संख्या सिर्फ 6 शिक्षकों के भरोसे 280 छात्र। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, वाणिज्य के टीचर ही नहीं। ये हालात आज के नहीं है, पिछले साल भी व्यवस्था कुछ ऐसी ही थी लेकिन अटैचमेंट के जरिए शिक्षकों की कमी पूरी की गई। आज स्कूल खुले 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, शिक्षकों की व्यवस्था ही नहीं है। खासकर 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा की चिंता सता रही है और वो इस स्कूल टीसी को लेकर दूसरे स्कूलों का रुख करने लगे हैं। स्कूल छोड़ने को मजबूर छात्र, शिक्षकों की कमी से छात्र नहीं ले रहे एडमिशन। 11वीं और 12वीं में बायो सब्जेक्ट में एक भी छात्र नहीं है। 12वीं क्लास में थे सिर्फ 6 स्टूडेंट। छात्रों ने टीसी के लिए प्रिंसिपल को दिया आवेदन। मैं यहाँ कक्षा 11वीं पढ़ चुकी हूँ और मैं जो साइंस लेकर पढ़ी थी बायो, तो जो है यहाँ पहले जो है टीचर व्यवस्था में आए थे जो कि अब 12वीं पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे टीचर अभी तक व्यवस्था में नहीं आए हैं, इसलिए और मैं यहाँ से टीसी लेना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ टीचर नहीं है साइंस के। 12वीं में भी साइंस लेकर पढ़ना चाहती हूँ इसलिए मैं दूसरे स्कूल एडमिशन लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से टीसी ली क्योंकि 12वीं बोर्ड कक्षा है और बोर्ड कक्षा के लिए पढ़ाई अत्यधिक करनी पड़ती है। स्कूल के प्रिंसिपल भी छात्रों की चिंता को समझते हैं, शिक्षकों की कमी को जानते हैं लेकिन कर भी क्या सकते हैं। आवेदन देना था तो दे दिया, अब गेंद बड़े अधिकारियों के पाले में है जो एक बार फिर जल्द ही शिक्षकों के अटैचमेंट का भरोसा दिला रही है। यहाँ पे हम लोग समिति की बैठक 20 तारीख को रखे थे और उसके बाद आवेदन दे करके जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय को भी उसका आवेदन जमा कर दिए हैं और उसके बाद भी यहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी इससे इनकार नहीं है लेकिन सवाल ये है कि ये व्यवस्था कब तक होगी। 15 दिन से ज्यादा समय बीतने के बावजूद भी अब तक सुध क्यों नहीं ली गई। क्या छात्रों का भविष्य अधर में लटकने के बाद शिक्षक आएंगे, क्या छात्रों के स्कूल छोड़ने के बाद शिक्षक पढ़ाने आएंगे। सोचना होगा क्योंकि ये वही स्कूल है जहां से कभी टॉपर निकलते थे लेकिन अब छात्रों को पास होने की चिंता ने स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। विस्तार न्यूज के लिए शशांक नायक की रिपोर्ट। पढ़ाई के साथ साथ रोटी की भी उतनी ही जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस के तहत गरीबों को चावल बांटा जाता है ताकि वो अपना पेट भर सकें। लेकिन बलरामपुर के लोधी गांव में जो चावल दिया गया उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे क्योंकि ऐसा चावल तो जानवर भी नहीं खा सकते। देखिए प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती हमारी ये रिपोर्ट। बलरामपुर में क्या कर रहा प्रशासन, गरीबों को क्यों बांट रहा घटिया राशन।
ये चावल देख रहे हैं इतना घटिया है कि इसे जानवर भी ना खाए। पूरा सड़ चुका है, पानी में भीग कर दाने इकट्ठा हो गए हैं, सड़ने की बदबू आ रही है, लेकिन प्रशासन ने इन्हें गरीबों को खाने के लिए बांट दिया। गरीब तो मजबूर हैं, ले भी लिया, लेकिन खाएगा कैसे? बिल्कुल नहीं खाया जा सकता, क्योंकि ये खाने लायक है ही नहीं। खराब चावल, भीगा हुआ चावल, थोड़ा वो झड़ा बंधा गया है, उस चावल को हम लोग खाएंगे तो बीमारी पकड़ेगा, इसमें हम लोग नहीं खाएंगे इस चावल को। हमारे गाँव में चावल आया है, बहुत गंदा आया है, वो शासन बढ़िया चावल भेज रहा था, गंदा कैसे यहाँ मिल रहा है चावल? पानी पड़ा हुआ है, ये सब पूरा झंडा बंधाया हुआ, बड़ा बड़ा कोई पादुक खा कर सब गंदगी बीमारी फैला दे। बलरामपुर के लोधी गांव में ये घटिया राशन बटने के लिए आया है। पीडीएस के तहत राशन दुकान पर यही चावल भेजा गया है, आ गया यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन करीब 10 परिवारों को खाने के लिए बांट भी दिया गया। कुछ खराब चावल भेजा हुआ निकला, उसको अधिकारियों से पूछा तो ये एक साइड करवा दिया। जिले के करीब आधे से ज्यादा आबादी सरकारी राशन दुकानों पर निर्भर है। सरकारी दुकानों से मिलने वाले चावल, चना, दाल, शक्कर, नमक पर ही इनकी जिंदगी टिकी है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण योजना में इतनी बड़ी लापरवाही तमाम दावों की पोल खोलती है। विस्तार न्यूज ने मामला उठाया तो कलेक्टर ने जाँच कर कार्रवाई की बात कही। जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं उसको एक बार हम चेक कर लेंगे, और किसी दूसरी दुकान में भी गया हो, ऐसे जितने भी दुकानों में इस प्रकार की चावल गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे तो डीएम नान से हम उसको चेंज करवा देंगे। आज ही अभी कोड ऑफिसर को और एसडीएम को इन दुकानों के संबंध में जांच करिए और ऐसी कार्रवाई करिए कि नजीर बन जाए, क्योंकि ये मामला गरीबों की जिंदगी से जुड़ा है, उनके पेट से जुड़ा है, गरीब बच्चों की भूख से जुड़ा है। आप ही सोचिए ना, कोई ऐसा चावल खा सकता है? तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है? विस्तार न्यूज के लिए नंद कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे महत्वपूर्ण योजना में भी बड़ी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। 1 और 2 रुपए के सिक्के, ये भले ही छोटी रकम है लेकिन ये बड़े काम की चीज है। खरीदारी और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करते हैं 1 और 2 रुपए के सिक्के, लेकिन सोचिए अगर ये चलन में बंद हो जाए तो भला फिर क्या होगा। मंडला में व्यापारियों ने चिल्ला लेना बंद कर दिया है, जिसके चलते छात्रों से लेकर हर कोई बहुत परेशान है। देखिए मंडला के व्यापारियों की मनमानी को उजागर करती हमारी ये खबर। व्यापारियों का तुगलकी फरमान, आम लोगों को कर दिया परेशान, कब निकलेगा सिक्कों का समाधान? जी हां, मंडला में चिल्लर लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। व्यापारियों ने एक राय होकर 1 और 2 रुपयों के सिक्कों को बंद कर दिया, और नतीजा ये है कि आम लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या छोटी नहीं है बल्कि सिक्के खरीदारी को आसान करते थे, लेकिन व्यापारियों की मनमानी ने आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। चलिए बताते हैं कि कैसे ये फरमान मुसीबत बन गया है। छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, 3 रुपए के पेन के देने पड़ रहे 10 रुपए, 1 रुपए की फोटोकॉपी कराने में दिक्कत, ऑटो वाले भी सिक्कों में नहीं ले रहे किराया, 1 और 2 रुपए के चॉकलेट भी लेना मुश्किल, 1 रुपए के सामान के लिए भी 10 रुपए देने पड़ रहे, व्यापारी चिल्लर के बजाय जबरदस्ती टॉफी थमा रहे, भिखारी भी सिक्के लेने से मना कर रहे, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि बिना चिल्लर के जिंदगी चलाना आसान नहीं है। ऑटो में जाते हैं तो भी यही करते हैं, वो लोग बोलते हैं चिल्लर नहीं लेना, 1-2 रुपए के सिक्के को एक्सेप्ट नहीं करते। दुकान में फोटो कॉपी कराने जाता हूँ तो फार्म आराम की फोटो कॉपी तो वहाँ पे सिक्के नहीं लेते, मैं देता हूँ भी तो 1-2 के सिक्के तो लेते नहीं हैं, बोलते हैं दोबारा फोटो कॉपी करा लो, ये वो बोलते हैं, कराना पड़ता है मजबूरी से। अगर हम ऑनलाइन दुकान में जाते हैं फोटो वोटो कॉपी कराते हैं, उधर पे 2 रुपए का हो रहा है तो हमारे पास चिल्लर तो लेते नहीं हैं, और हम ऑटो ऑटो में जाएंगे कहीं तो चिल्लर 5 रुपए है तो वो नहीं ले पाते हैं। अब व्यापारियों की मनमानी का नमूना भी देख लीजिए, निजी दुकानों के साथ साथ सरकारी ठेकेदार भी कैसे चिल्लर लेने से इनकार कर रहे हैं। आज ऐसी दुकान है हमारे मंडला जिला में, बमनी में, आसपास की दुकान में, आज ऐसे हम लोग जाते हैं कुछ 5 का सिक्का देते हैं, आज ऐसे 100 का सामान लेते हैं, 95 में कहीं 95 का सामान आता, 5 वापस जाता, चिल्लर दे देते हैं, हम ले तो लेते हैं, जब दुकान में देने जाएं तो दुकान वाले साफ मना कर देते, इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं,
जब आप किसी को मदद करने का सोचे तो सोच समझ कर ही करें, क्योंकि आप किसी को भीख में एक या दो का सिक्का नहीं दे सकते। अब आप परेशानियों को समझ चुके होंगे। व्यापारियों की मनमानी लोगों पर भारी पड़ रही है, जबकि सिक्के लेने से मना करना गैर कानूनी है। सिक्का लेने से मना करना अपराध है। चलन में चल रहे सिक्कों को मना नहीं किया जा सकता। मना करने वाले व्यापारी पर FIR भी हो सकती है। भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत हो सकती है कार्रवाई। रिजर्व बैंक से की जा सकती है शिकायत। जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि ये अपराध की श्रेणी में है, लेकिन अभी तक उन्हें शिकायत का इंतजार है। एक रुपए के, दो रुपए के, पांच रुपए के सिक्के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को, स्कूल के बच्चों को फोटोकॉपी वगैरह करवाने जाते हैं, वो भी बच्चे लोग उतने ले रहे हैं और दुकानदार भी नहीं ले रहे हैं। संज्ञान में आया है, संज्ञान में आने के बाद में भी जांच करने के बाद में अगर कोई आवेदन आता है अपने पास में तो अवश्य कार्रवाई करेंगे। गजब है, आम जनता परेशान है। व्यापारी नियमों को ताक पर रखकर फरमान निकाल रहे हैं। जिले की लाखों जनता पर इसका असर पड़ रहा है। जनता चिल्ला रही है, लेकिन अधिकारियों को शिकायत का इंतजार है, जो बताता है कि व्यापारियों को मनमर्जी करने की ताकत कहां से मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या इन व्यापारियों पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने आम लोगों के छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल बना दिया है। क्योंकि सिक्के भले ही छोटे हैं, लेकिन साहब ये लोगों के लिए बेहद जरूरी है। विस्तार न्यूज के लिए प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर की करेंगे। यहाँ किले तक जाने के लिए 40 साल पहले रोपवे का सपना देखा गया, लेकिन अभी तक ये सपना अधूरा ही है। रोपवे का काम आधा अधूरा अटका पड़ा है। क्या है वजह और कब मिलेगी ग्वालियर वासियों को रोपवे की सौगात, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है ग्वालियर का ऐतिहासिक किला। ये किला जो ग्वालियर की पहचान है, शहर की विरासत है, जिसका दीदार करने के लिए पूरी दुनिया और देश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। ऊंचाई पर चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। 40 साल पहले सीधे किले तक पहुँचने के लिए रोपवे का सपना दिखाया गया, लेकिन आज भी ये सपना अधूरा है। फूलबाग से किले तक रोपवे प्रस्तावित है, जो हर चुनाव में मुद्दा बन जाता है। 1983 में सबसे पहले निगम बजट में प्लान रखा गया। 2010 में लोअर टर्मिनल का भूमि पूजन हुआ। 2012 में NOC जारी हुई, लेकिन मामला कोर्ट पहुंच गया। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपत्ति पर काम रोका गया। 2021 में किले की अपर टर्मिनल की जगह बदली गई। 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोपवे बनाने की घोषणा की। जनवरी 2023 में DPR बनना भी शुरू किया गया। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट कंपनी ने रोपवे निर्माण कार्य के टेंडर को निरस्त कर दिया है। मामला कोर्ट में है। किले पर जमीन न मिलने की बात कही जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि जब तक केस खत्म नहीं होता, टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे। अभी वर्तमान में जो पुराना जो कार्य कर रहे थे, उन्होंने केस दायर किया हाईकोर्ट में। उस केस का हम लोग रिप्लाई भी दे चुके हैं, तो वो अभी विचाराधीन मामला है। उसका निराकरण होगा तो हम लोग फिर। कैसा है रोपवे का प्लान, आप ये भी जान लीजिए। NHLML ने किया था रोपवे का काम। 127 करोड़ की लागत से होना है तैयार। 1.88 किलोमीटर लंबा है रोपवे। लोअर टर्मिनल फूलबाग बारादरी पर है। किले के ऊपर अपर टर्मिनल प्रस्तावित है। 2 साल में बनकर तैयार हो जाना था। किले के ऊपर जमीन न मिलने से काम अटका हुआ है। ये प्रोजेक्ट शहर की जनता, पर्यटक और शहर को नई पहचान देने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस पर हमेशा से सियासत हुई और यही सियासत अब इसकी राह में रोड़ा बन रही है। देखिए, रोपवे काम प्रारंभ हो चुका था और लोअर टर्मिनल पर ढांचा भी खड़ा हो गया था। अपर टर्मिनल पर जो वहाँ पर टावर आने थे, उनकी नींव लगभग पूरी भरी जा चुकी थी। पर मेरा मानना है कि नगर निगम के अधिकारियों ने दबाव में आकर के वो सारी जो तैयारी थी, वो एक तरह से उसको पलीता लगाया। किंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, वो सबसे बड़ी बाधा हैं इस प्रोजेक्ट में, रोपवे में, क्योंकि रोपवे का जो स्टेशन बनना था, वो तकरीबन उनका जो पब्लिक स्कूल है सिंधिया स्कूल, उसके निकट बनना था और उसकी ऐसा लग रहा था कि प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, जो स्वयं को विकास पुरुष बताते हैं या विकास में बाधा बन रहे हैं,
और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जिनको बहुत बड़ा व्यापार मिल सकता है पर्यटन की वजह से, उनकी रोजगार में भी बाधा बन रहे हैं। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आरोप लगते रहे हैं कि सिंधिया के दबाव में रोपवे का काम अटका है, क्योंकि रोपवे का एक स्टैंड किले पर सिंधिया स्कूल के समीप बना है। वजह जो भी हो, लेकिन बीते 40 साल से ये महत्वपूर्ण योजना राजनीति की भेंट चढ़ रही है और जनता अभी भी रोपवे का सपना देख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब मिलेगी रोपवे की सौगात। लिहाजा मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन इसके बावजूद पिछले 4 दशकों से यह रोपवे यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ सपना बनकर रह गया है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारा मकसद भी आपकी परेशानियों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। आगे भी हमारे सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।